गिने गुजर गए साल तावी अधूरे निसार सवाल तावी पता है किनार जमंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो। ठीक है ना मेरी जान, कोई तकलीफ तो नहीं है ना? थोड़ी सी तकलीफ तो है। अच्छा, अल्लाह ताला जल्द से एहतियात करे मेरा जान। बस कर दे हीरो, कितनी दीमादारी करवाएगा, अब तो उठ के बैठ जा यार। अनस, ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं का क्या मतलब? आपने बताया नहीं इसे। पहली मेरी जान, सिर्फ तुम्हें खुशियां लौटाने की कोशिश कर रहे मेरे बच्चे। वो खुशियां जो कुछ खुदगर्ज लोगों ने तुमसे छीनने की कोशिश की, काश मुझे पहले पता होता तुम्हारी इस ख्वाहिश का। काश मुझे पहले पता होता कि तुम बिया से प्यार करते हो तो मैं कुछ भी करके बिया को तुम्हारे लिए हासिल करके रहते मेरे बच्चे। लेकिन अब बहुत देर हो गई, इसलिए मैं और देर नहीं करना चाहती। एक मिनट, एक मिनट, पहले बिया से तो पूछ दो। बिया, तुम्हें तो कोई इतराज नहीं है ना? हॉस्पिटल है ये। सो व्हाट, मुनासिब नहीं लगता है यार यहाँ। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अनस मेरा जाइए, काजी को बुला के लेके आइए। जी आंटी, वली जो हो रहा है होने दो यार, इससे पहले कोई और मुसीबत आ जाए। बिस्मिल्लाह करो, मैं काजी साहब को बुला कर लाता हूँ। अली, आपको वली असफल अली के साथ ये निकाह कबूल है? भैया जी कबूल है। अनाबिया अली, आपका निकाह वली असफल अली के साथ पढ़ाया जा रहा है, क्या आपको कबूल है? कबूल है। अनाबिया अली, आपका निकाह वली असफल अली के साथ पढ़ाया जा रहा है, क्या आपको कबूल है? कबूल है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वली असफल अली, आपका निकाह अनाबिया अली के साथ पढ़ाया जा रहा है, क्या आपको कबूल है? कबूल है। वली असफल अली, आपका निकाह अनाबिया अली के साथ पढ़ाया जा रहा है, क्या आपको कबूल है? कबूल है। वली असफल अली, आपका निकाह अनाबिया अली के साथ पढ़ाया जा रहा है, क्या आपको कबूल है? कबूल है। कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक।
ओह सॉरी मैं गलत वक्त पे आ गया। नहीं नहीं रक्षा, ये तो खुशी का मौका है, बिल्कुल सही वक्त पे आए आप। एक खुशी की खबर मेरे पास भी है आपके लिए, हम वली को डिस्चार्ज कर रहे हैं। अरे थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, मुबारक हो वली। उठना बेटा मेरे साथ आओ। वली अब्दुल तेरे मेरे लम्हे मैं कैसे भुला दूं, रातों को अपनी मैं कैसे शादों हमेशा जीते रहो। अभी बेगम नहीं आई नाश्ते पे? अपने बेटे का सोग मना रही होंगी कमरे में, मैं तो उनके पास नहीं गई। और दानियाल? वो रात को बहुत थक गया था, सो रहा है, मैंने नहीं उसको जगाया। और इसको तो आपके साथ नाश्ता करके बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कंदील को उठा के ले आई। बेटियां तो सरापा मोहब्बत होती हैं। काशिफ रात को रुक जाता तो अच्छा था ना, तुमने खामखा उसे भेज दिया। बाबा वो एक्चुअली अंकल को ड्राइव करने में प्रॉब्लम होता है रात के वक्त, इसलिए काशिफ को जाना पड़ा। मगर आप फिक्र नहीं करें, अभी उनका फोन आया था, वो वक्त पे पहुंच जाएंगे, इनफैक्ट बारात निकलने से पहले ही। ठीक है चलो हम नाश्ता करते, बिस्मिल्लाह। सब तूने किया है ना? वली, वली। तेरा शुक्रिया, पर वली अभी भी अपने कदमों पे खड़ा होना जानता है। बैठ जा, मैं ले चलता। कहा ना ठीक हूं मैं, नहीं बदलेगा, चलो आराम से चलो।
अकबर दानियाल हुसैन आज अपने पूरे होशो हवास में सबकी मौजूदगी में और अपने बाबा जान के हुक्म के मुताबिक तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। कदम बढ़ाओ, इतमाद से इस घर की दहलीज पर कदम रखो बेटा। आज तुम्हारी हैसियत बदल चुकी है। आज तुम मेहरुन्निसा की बेटी की हैसियत से नहीं, मलिक की बीवी की हैसियत से इस घर में कदम रख रही हो। अब तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। चलो बेटा आगे बढ़ो। दानियाल, उठ गए बेटा, कैसी गुजरी रात? जी बाबा जान, ठीक गुजरी। भैया आप लोग टाइम पे तैयार हो जाना, मैं चाह रहा हूं कि बारात वक्त पे निकले। दानियाल, तुम ठीक तो हो? पता नहीं बाबा, आज आज कुछ अजीब सा लग रहा है, अजीब अजीब सा महसूस हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। भाभी बेगम, आप यहां इस वक्त? और ऐसा क्या हुआ कि वली की बेल हो गई? बिया को क्यों लेकर आए आप साहब? अभी वली की मां मरी नहीं है अकबर हुसैन, आपका क्या ख्याल था कि अपनी बीवी और बेटे की बातों में आकर आप वली की बेल नहीं कराएंगे तो मैं खामोश बैठी रहूंगी? कभी नहीं, हरगिज नहीं। और बिया अपने हक से इस घर में वापस आई है। एक मिनट ताईजान, ये क्या बातें कर रही हैं आप? वली का तो चले ठीक है, वापस आ गया तो आ गया, लेकिन ये बिया किस हक से आई है? इसे तो तलाक दे चुका हूं मैं, ये किस रिश्ते से यहां पर आई, और वो भी ऐन मेरी शादी के दिन? अपने ही घर में आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती दानियाल। क्या मतलब है इस बात का? अकबर, मैं आपसे कहती थी ना, भाभी बेगम जानबूझकर ये हरकतें करती हैं हमारा दिल जलाने के लिए। आज इनको पता था खुदा और दानियाल का निकाह है, जान के ये बिया को यहाँ ले आई है ताकि लोग हम पर थू-थू करें। बिया यहाँ किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं आई है नरमीन, वो यहाँ बली की बीवी की हैसियत से आई है। उसके बारे में आइंदा कोई बात करने से पहले 10 मरतबा सोच लेना। क्या कह रही है बात बेगम? आपकी बहू
बिल्कुल सही कह रही हूँ अकबर हुसैन, वो वली की बीवी ही है और इन बच्चों के बारे में कोई बदतमीजी में आइंदा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो मेरा शक ठीक था। वली और बिया का जरूर कोई चक्कर रहा है। कोई चक्कर नहीं चल रहा था अकबर हुसैन, कोई चक्कर नहीं चल रहा था। तुम लोगों के इल्जाम तराशियों की वजह से इन दोनों के दरमियान एक मुफाहमत पैदा हो गई थी और बस। और आज मैंने अपनी खुशी की खातिर, सिर्फ अपनी खुशी की खातिर, इन दोनों बच्चों को शादी के बंधन में बांध दिया। और अब आप सब लोग इन दोनों से बिल्कुल दूर रहेंगे। मैं इन दोनों की जिंदगी में कोई दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। चलो भैया, बली चलो बेटा। जानती हो भैया, ये पहली दफा है वली को आज तक किसी ने सहारा नहीं दिया। ये सहारा नहीं, मेरी मोहब्बत है आपके लिए। जब सारी जिंदगी आपके साथ रहेगी, रजामंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो, मुझे तुम अभी भी पसंद हो, मुझे तुम अभी भी पसंद हो। ये कोई वक्त था बिया और वली को वापस घर में लाने का? ताई जान आखिर साबित क्या करना चाह रही है? वो जो भी साबित करने की कोशिश कर रहे थे यार, लेकिन बहरहाल ये घर उनका भी है और हम उन्हें यहां से निकाल नहीं सकते। जी बाबा जान, लेकिन आज मेरी बारात है। आप क्या चाहते हैं, वो मेरी बारात रोक दें? और फिर खुद सोचे ना, वहां खुदा होगी, गेस्ट होंगे और वहां मेरी एक्स वाइफ फिर रही होगी, क्या समझेंगे लोग? दानियाल देखो, तुम्हारी परेशानी अपनी जगह, मगर बिया इस घर की बहू है अब, और तुम उसको इस घर के सुख दुख में शामिल होने से नहीं रोक सकते।
दानियाल बिल्कुल ठीक कह रहा है अकबर, आप भाभी बेगम को समझाइए वो शादी में बिया को ना लेकर आए। सर बिया को ही नहीं मामा, वली की भी वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। देखें बहुत सेंसिटिव सूरत हाल है इस वक्त, पता नहीं वहाँ क्या झूठी सच्ची कहानियाँ सुनाएगा वो सबको। पता नहीं, हमें तो खुशियाँ रास ही नहीं आती हैं। अकबर अब तो आप अपने बेटे की खुशी के लिए स्टैंड ले लें। ठीक है, मैं भाभी बेगम को समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोग प्लीज घर में कोई महाज खड़ा ना कर दीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि इस खुशी के मौके पे कोई मैस हो। जी I'm really very sorry. वो दरअसल कुछ परेशानी में था तो गलती से। It's okay. आपको वो मशहूर मॉडल एनी है ना? पिछले दिनों जो कुछ भी आपके साथ हुआ सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। क्या कर सकते हैं, जहाँ 100 दोस्त हो वहाँ 200 दुश्मन भी तो होते हैं। लेकिन जब कोई आपका एतमाद जीत कर आप इतनी घटिया हरकत करता है तो दिल तो दुखता है। आपके साथ तो सरासर जुल्म हुआ है, आपकी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया है। क्या मतलब है आपका, क्या जानते हैं आप इस बारे में? अगर मैं ये कहूं कि जिस शख्स ने आपकी वो तस्वीरें वायरल की हैं मैं उसे जानता हूं। क्या बकवास कर रहे हैं, वो हर एक को बताता फिरेगा कि वो मेरी पिक्चर्स लीक कर रहा है। अगर मैं आपको सबूत दूं तब भी यकीन नहीं करेंगी? व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप मैसेजेस, कॉल रिकॉर्ड्स, यहाँ तक कि वो फोटोशॉप हुई हुई तस्वीरों के नेगेटिव, तब तो आपको यकीन करना ही पड़ेगा। ये सब तुम्हें कैसे पता और तुम मुझे क्यों बता रहे हो? अगर आपको सबूत चाहिए तो आपको उसके बदले कुछ रकम अदा करनी पड़ेगी, जो सिर्फ मेरी मजबूरी की, क्योंकि मेरी बेटी इस वक्त सख्त बीमार है। लेकिन आपसे वादा करता हूँ कि आपके साथ गलत बयानी नहीं करूँगा। खबर सच्ची होनी चाहिए, पैसों की तुम टेंशन ना लो। ठीक है, आप मेरी गाड़ी को फॉलो। कोई बात नहीं अकबर हुसैन, अगर आप नहीं चाहते कि मेरा बेटा और मेरी बहू इस शादी में शरीक हो तो वो नहीं आएंगे। लेकिन आप ये भी याद रखें कि अगर वो नहीं आएंगे तो मैं भी नहीं आऊंगी। भाभी बेगम आपका आना जरूरी है। क्यों, जहां मेरे बच्चों की इज्जत नहीं वहां मेरा क्या काम? एक तो भाभी बेगम बिना बताए आप वली को इस घर में वापिस ले आई है, ऊपर से नाराज हो रही है, ये भी कोई बात है? वली को अपने घर वापस आने के लिए किसी की इजाजत की कोई जरूरत नहीं है। बहुत खूब, भाभी बेगम आप अच्छी तरह जानती हैं वली के इस घर से जाने का सॉलिड रीजन। भूल तो तुम रही हो नरमीन, लेकिन खैर हकीकत के आश्कार होने में अब ज्यादा देर नहीं लगेगी।
कि आप लोग किस बहस में पड़ गए। खुशी के मौके पर लड़ाई झगड़ा कैसा भाई? भाभी बेगम, बस आपका आना बहुत जरूरी है। मैं अपने बच्चों के बगैर इस शादी में शिरकत नहीं करूंगी अकबर हुसैन। वली ने बिया से निकाह किया है और मैं बहुत जल्द इन दोनों के लिए एक रिसेप्शन दूंगी ताकि दुनिया को पता चल सके कि उसकी दुल्हन कौन है। अगर आपको उनको बुलाने में शर्म आ रही है तो रहने दीजिए ना, मैं आपको इस मुश्किल में क्यों डाल देंगे। भाभी बेगम, आप मेरे लिए बहुत अहम है, आप इस खानदान की बड़ी हैं और मैं दिल से चाहता हूं कि ये खानदान जो है ये आपस में जुड़ा रहे, इसीलिए आप इस शादी में शिरकत करेंगी अपने बेटे और बहू के साथ। लेकिन अकबर, लोग ऐसी कैसी बातें करेंगे? लोग जो भी कहते हैं कहने दो, हमें अपने घर में तो फसाद नहीं खड़ा कर सकता ना। दानियाल को समझा देना। भाभी बेगम, ये आपने अच्छा नहीं किया। शुक्र करो नरमीन, अभी मैंने अकबर हुसैन के सामने तुम दोनों माँ बेटे का भरम नहीं तोड़ा। लेकिन खैर, ज्यादा देर नहीं लगेगी हकीकत के आश्कार होने। और हाँ, पुराने हार मुझे वापस मिल गया है नरमीन, बियाज पुराने हार पहन के शादी में शिरकत करेगी। मैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ, किसी भी तस्वीर को कोई भी रंग देना मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन अफसोस के दानियाल साहब ने अपना मतलब पूरा हो जाने के बाद मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। मेरी बेटी जो इस वक्त एक हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, और मैं उसे बचाने के लिए पानी की तरह पैसे बाहर। क्या क्या हुआ आपकी बेटी को? ब्लड कैंसर। इस सेल फोन में दानियाल की तमाम कॉल्स मैसेजेस रिकॉर्ड हैं। आप उसे देखकर अपनी तसल्ली कर सकती हैं। ये वाला शेरी माय बॉय, व्हाट्स अप, कैसे? तुम्हारी आर्ट्स की बातें तो पूरी दुनिया में मशहूर है। छोटा सा हमारा काम भी करता है, कुछ पिक्चर्स भेज रहा हूँ, मैं फोटोशॉप करना है। आर यू ओके? पानी लीजिए। बेटी का इलाज अच्छे से करा लीजिएगा। थैंक यू। जब आपकी बेटी बड़ी हो जाएगा तो उसे दुनिया के दानियाल जैसे लोगों से महफूज रखिएगा प्लीज। एंड थैंक यू फॉर योर इंफॉर्मेशन। Thank you.
की वजह से। ये सब क्या तमाशा है? बाबा जान को क्या जरूरत थी ताई जान को फोर्स करने की कि वो मेरी शादी पर आए? तुम कुछ भी कर लो दानियाल, तुम्हारे बाबा के दिल से खानदान की मोहब्बत नहीं निकाल सकते। बजाय इसके कि वली को लानतान करते, उल्टा उसे सीने से लगाने के लिए तैयार है। मामा मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वली या पिया मेरी शादी पर आए तो मैं कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। मुझे एक बात समझ नहीं आती दानियाल, कि तुम्हें इन सब लोगों को इतने अहमियत देने की जरूरत क्या है? तुम इग्नोर क्यों नहीं कर सकते इन लोगों को? अपनी खुशी पर ध्यान दो, तुम्हारे लिए कितना बड़ा दिन है, जस्ट बी हैप्पी। तो और क्या दानियाल, तुम इतना खुश हो, इतना खुश हो कि सबको हैरान कर दो। एग्जैक्टली, तुम्हारे लिए इस वक्त सिर्फ हुदा अहम होनी चाहिए और कोई नहीं। और तुमने अभी हुदा को सैलून से पिक भी करना है, तुम दोनों की हॉल में एक साथ एंट्री है, हुदा ने साफ मना कर दिया है कि वो किसी और के साथ नहीं आएगी। तुम सिर्फ इन बातों पर ध्यान दो इस वक्त और खुश रहो प्लीज। ठीक, एक्सक्यूज मी मैम, आप अंदर कहाँ जा रही है? दानियाल कहाँ है? मैम साहब की तो आज शादी है और सब लोग छुट्टी पर हैं। क्या कहा आपने? मैम साहब की तो आज शादी है और सब लोग छुट्टी पर हैं। गई तुम, मैं कब से वेट कर रही थी तुम्हारा। मुझे इस्तेमाल किया, मुझे खिलौना समझा है, मुझसे वादा करके किसी और से शादी कर रहा है वो ये सब कुछ भूल कैसे सकता है? क्या कह रही हो तुम? वो मुझे बर्बाद करना चाहता था ना, अब मैं उसे बर्बाद करूंगी। वो ना कुछ समझता क्या? एनी क्या कर रही हो तुम? सुना है आपने वली की शादी बिया से कर दी है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बिया मेरी बहू है।
आप वली और बिया को बुलाए ना, भाई की बारात में जाना है, देर हो रही है। हाँ मेरे ख्याल से तैयार हो गए होंगे, मैं बुला के जाइए। बुला के लाइए। चलो भाई जल्दी करो, क्या क्या रह गया किसका। गुजर गए साल तावी अधूरे निसार सवाल तावी, पता है किनार जमंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो।